लियाकताबाद अलमारूफ लालूखेत माजी में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हवाले से जाना जाता था, जहां ईद के दिन गोलियां चल गईं, मगर इन गोलियों से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमजद साबरी के घर में तो शोक की फजा है, मगर उनकी गली के बच्चे ईद की खुशियां कुछ अलग अंदाज से मना रहे हैं। यहां शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसके हाथों में खिलौना पिस्तौल ना हो। यहाँ किसी ने ईदी से पिस्तौल खरीदी तो किसी ने कलाशनकोफ। अंकल, इसके अंदर तो मुझे ये वाली बहुत अच्छी लग रही है, पर इसका प्रेशर बहुत तेज है। गन लेके करोगे क्या? हम खेलेंगे, एक दूसरे को मारेंगे छर्रों से। गन से खेलना तो अच्छी बात नहीं है ना यार। ये शौक होता है सबका। ये देखें, अभी इसके पास भी है। 750 रुपए के लिए। हाथों में असलाह लिए कोई बच्चा चोर बना तो किसी ने पुलिस का किरदार अदा किया। गर्ज लियाकताबाद की गली गली में असलाह ही नजर आया। ऐसे में खिलौना पिस्तौल का काम करने वालों की तो चांदी हो गई। ईद पे ज्यादातर गन्ने चलती हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। बच्चों में क्या रुझान क्या है, क्यों कौन सी गन ज्यादा पसंद कर रहे हैं? ये तो बच्चों के ऊपर है, बच्चे को जो पसंद आ जाए वो ले ले बच्चा। छोटी गन्ने भी होती है, बड़ी गन्ने भी होती है, बच्चे के ऊपर है, बच्चा जो पसंद कर ले। बच्चों में असलहे का रुझान सिर्फ लालूखेत में ही नजर नहीं आता, बल्कि ऐसे मनाजिर शहर के किसी भी हिस्से में देखे जा सकते हैं। अदब की बस्ती में जहां माशरे को कलम से परवान चढ़ाना मकसूद हो, वहां बच्चों के हाथों में असलाह माशरे की पस्ती की जानिब जाने की निशानदेही करता है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अब्बास नकवी, 24 न्यूज़, कराची।